राम नाम की महिमा अनंत है। क्या कभी आपने महसूस किया है कि एक राम नाम में इतनी शक्ति हो सकती है कि वह आपकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दे? एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन की बेचैनी शांत हो जाए, दिल को सुकून मिले और जीवन की सारी कठिनाइयां कुछ हल्की लगने लगें। यही नाम है राम। सदियों से इस पवित्र नाम का जाप लोगों को अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाता आया है। क्या सच में राम नाम में वह ताकत है जो हर दुख को हर सकती है? आइए जाने इस प्राचीन जाप के अनोखे लाभ और इसके रहस्यमय प्रभावों के बारे में, जो मन को शांति और आत्मा को उन्नति की राह दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के पॉडकास्ट में हम जानेंगे राम नाम जपने के फायदे, राम नाम की महिमा और कलयुग में राम नाम जपने से हमें क्या फायदे होते हैं। इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि राम नाम हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालता है और जो व्यक्ति नियमित निष्ठा से राम नाम का जप करता है उसका फल कब मिलता है। और साथ ही दो कहानियां भी जानेंगे जिससे राम नाम की महिमा और राम नाम के जप का महत्व बताती है। बने रहे वीडियो के अंत तक। राम नाम की महिमा अनंत है और वह बड़ी ही रहस्यमयी है। राम के नाम की महिमा राम से भी बड़ा है। इनकी महिमा हजारों मुख वाले शेषनाग भी करने में असमर्थ है। राम स्वयं भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम न सकही नाम गुण गाई। भगवान राम नाम की महिमा अनंत और अद्भुत है। यह कहना अत्यंत कठिन है कि राम नाम का महत्व और प्रभाव कितना गहरा और रहस्यमयी है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे हजारों मुख वाले शेषनाग भी पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। राम स्वयं अपने नाम की महिमा का वर्णन करने में असमर्थ हैं। इसीलिए यह कहा गया है कि राम न सकही नाम गुण गाई। राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। राम नाम का प्रभाव राम से भी अधिक है और उनके नाम का प्रताप स्वयं भगवान राम से ऊंचा है। सतयुग, त्रेतायुग और द्वापर युग में, सतयुग में ध्यान और तपस्या, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में पूजा को श्रेष्ठ माना गया था, लेकिन कलयुग में इन सभी साधनों का स्थान केवल भगवान नाम स्मरण और कीर्तन ने ले लिया है। कलयुग में तो केवल भगवान के नाम का स्मरण करने से वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है जो अन्य युगों में कठिन तपस्या, यज्ञ और पूजा से मिलता था। यही कारण है कि इस युग में हर व्यक्ति को राम नाम का सुमिरन करने की प्रेरणा दी जाती है। जिस प्रकार जल अग्नि को शांत करने में सक्षम होता है और सूर्य अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार राम नाम कलयुग के दोषों को दूर कर मनुष्य को शांति प्रदान करता है। कलयुग में अहंकार, पाखंड, द्वेष, लोभ और अन्य दोष बढ़ जाते हैं, लेकिन इन सभी को राम नाम का स्मरण समाप्त कर सकता है। राम नाम की इस महिमा को शिवजी ने भी स्वीकारा है और जब माँ पार्वती के साथ उन्होंने इसका अनुभव किया तो यह उनके लिए भी अद्भुत। तभी तो कहते हैं, सहस नाम सम सुनी शिव बाणी, जपि जेई पिय संग भवानी, जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू, सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू, सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, राम राम कही जय जमुहा ही, तिन्ह ही न पाप पुंज समुहा ही। दोस्तों, राम नाम की शक्ति को आदिकाल से स्वीकार किया गया है। आदि कवि वाल्मीकि जी का जीवन इसका उदाहरण है। वे पहले एक डाकू के रूप में जाने जाते थे, परंतु जब उन्होंने राम नाम का स्मरण किया तो उनका हृदय शुद्ध हो गया। चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे राम नाम का स्मरण करने से एक सामान्य मनुष्य रत्नाकर से वाल्मीकि ऋषि बना। आदि कवि वाल्मीकि की कहानी भारत के महानतम प्रेरक प्रसंगों में से एक है। वाल्मीकि जी का असली नाम रत्नाकर था। एक समय में रत्नाकर एक सामान्य मनुष्य थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें एक डाकू बना दिया। रत्नाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए यात्रियों को लूटते और कभी कभी उनकी जान भी ले लेते थे। रत्नाकर अपने जीवन के इस पथ पर भटकते हुए आगे बढ़ते रहे, लेकिन उनके मन में कभी यह विचार नहीं आया कि जो वे कर रहे हैं वह अधर्म है। उनके मन में कोई आत्मग्लानी नहीं थी, क्योंकि उन्हें यह विश्वास था कि वह अपने परिवार के लिए ही यह सब कर रहे हैं। एक दिन महान ऋषि नारद मुनि जंगल के रास्ते से जा रहे थे, तभी रत्नाकर ने उन्हें रोका और लूटने का प्रयास किया, लेकिन नारद मुनि का चेहरा शांत और मुस्कुराहट से भरा था। रत्नाकर यह देखकर चौंक गए कि उनके पास मृत्यु का भय नहीं था। नारद मुनि ने उसे संबोधित करते हुए कहा, वत्स, तुम यह पाप क्यों कर रहे हो? रत्नाकर ने उत्तर दिया, मैं यह सब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए करता हूँ। तब नारद मुनि ने उससे पूछा, क्या तुम्हारा परिवार भी तुम्हारे पापों का भागीदार बनेगा? क्या वे भी इस पाप का फल भोगने के लिए तैयार हैं? रत्नाकर इस प्रश्न से विचलित हो गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसका परिवार उसके पापों का उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहेगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसने नारद मुनि से अनुमति मांगी
और अपने परिवार के पास गया। उसने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा कि क्या वे उसके पापों में भागीदार बनना चाहेंगे, लेकिन परिवार के सभी सदस्यों ने इनकार कर दिया और कहा कि वे केवल उसके द्वारा अर्जित धन का उपभोग करते हैं, पाप में भागीदार नहीं बन सकते। यह सुनकर रत्नाकर को गहरा धक्का लगा और उसे अपने कर्मों का बोध हुआ। वह यह समझ गया कि जो भी पाप उसने किए हैं वे केवल उसी के हैं और उसके परिवार का उनसे कोई लेना देना नहीं है। वह लौटकर नारद मुनि के पास आया और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने नारद मुनि से मार्गदर्शन मांगा कि वह अपने पापों का प्रायश्चित कैसे कर सकता है। नारद मुनि ने रत्नाकर से कहा कि अगर वह अपने पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसे राम नाम का जप करना चाहिए। रत्नाकर को राम नाम का उच्चारण करने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए नारद मुनि ने उसे मरा शब्द का जाप करने को कहा, जो राम का उल्टा है। रत्नाकर ने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया और उसकी तपस्या इतनी गहरी हो गई कि वह साधना में खो गया। कई वर्षों तक रत्नाकर एक ही स्थान पर बैठकर मरा मरा का जाप करते रहे। उसकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसके चारों ओर दीमकों का एक बड़ा ढेर बन गया और उस ढेर के अंदर वह अपने ध्यान में लीन रहे। समय के साथ यह ढेर इतना बड़ा हो गया कि दीमकों के घोंसले ने उसे पूरी तरह ढक लिया। कई वर्षों बाद जब उनकी तपस्या समाप्त हुई तो नारद मुनि ने आकर उन्हें जागृत किया और उन्हें वाल्मीकि का नाम दिया, जिसका अर्थ है दीमक के ढेर से उत्पन्न। यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वाल्मीकि उस दीमक के ढेर में ही तपस्या में लीन हो गए थे। राम नाम की शक्ति और उसकी तपस्या के फल स्वरूप वाल्मीकि का हृदय शुद्ध हो गया। वह पापों से मुक्त हो गए और उनका जीवन पवित्र बन गया। तपस्या ने उन्हें अद्वितीय ज्ञान और भक्ति का वरदान दिया। इस प्रकार रत्नाकर एक डाकू से महर्षि वाल्मीकि बने और उन्होंने रामायण की रचना की, जो भगवान राम के जीवन पर आधारित सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथों में से एक है। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है क्योंकि उन्होंने संस्कृत में प्रथम महाकाव्य की रचना की। उनके द्वारा रचित रामायण में भगवान राम के आदर्श जीवन का वर्णन है, जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामायण न केवल धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि इसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, कर्तव्यों और धर्म के सिद्धांतों को भी बताया गया है। इस प्रकार राम नाम के प्रभाव से रत्नाकर जैसा डाकू महर्षि वाल्मीकि बन गए और संसार के लिए एक आदर्श बन गए। उनके जीवन का यह परिवर्तन दिखाता है कि भगवान का नाम और सच्ची भक्ति किसी भी व्यक्ति के जीवन को बदल सकती है। चलिए अब अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं कि राम नाम हर व्यक्ति को पवित्र और उदात्त बना सकता है। राम नाम की शक्ति का अनुभव हनुमान जी ने भी किया। हनुमान जी ने राम नाम का सुमिरन करके अनंत शक्ति पाई और वे राम के अत्यंत प्रिय बन गए। हनुमान जी के हृदय में राम नाम का सुमिरन था और इसी सुमिरन ने उन्हें पराक्रम और समर्पण की एक अद्वितीय मूर्ति बना दिया। सनकादि मुनि, सिद्ध और योगी जन भी राम नाम के स्मरण से ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं। उनके लिए राम नाम का स्मरण ब्रह्म सुख को पाने का एक साधन है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग राम नाम का स्मरण करते हैं वे यमराज के भय से मुक्त हो जाते हैं और उनके जीवन में पापों का संचय नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को मिटा देती हैं, वैसे ही राम नाम का स्मरण व्यक्ति के पापों को समाप्त कर देता है। यह नाम ऐसा है कि इससे किसी भी साधारण व्यक्ति का भी जीवन पवित्र और सार्थक हो सकता है। इस संसार में राम नाम की महिमा से बड़ा और कुछ भी नहीं है। इसके स्मरण से व्यक्ति को सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। राम नाम का यह प्रभाव कलयुग में सबसे अधिक है और इसी से कलयुग में इसे सर्वोत्तम साधन माना गया है। राम नाम का जप केवल शब्द नहीं अपितु एक गूढ़ साधना है, जो मनुष्य को ईश्वर के समीप ले जाती है। चलिए अब जानते हैं कि राम नाम जपने से जीवन में क्या फायदे होते हैं। राम नाम जप एक अत्यंत शक्तिशाली साधना मानी जाती है, जो व्यक्ति के जीवन में मानसिक, शारीरिक और आत्मिक लाभ प्रदान करती है। इस साधना से न केवल हमारे जीवन में शांति और संतोष का संचार होता है, बल्कि यह नकारात्मकता को दूर कर मन को संयमित और सकारात्मक भी बनाता है और हमारे मन को गहरी शांति मिलती है। राम नाम जप करते समय हमारे मन में एक गहरी शांति उत्पन्न होती है। यह शांति किसी बाहरी सुख सुविधा से नहीं, बल्कि आंतरिक साधना से प्राप्त होती है। जब हम बार बार राम का नाम उच्चारण करते हैं तो यह हमारी मानसिक तरंगों को शांत करता है और मन को स्थिरता प्रदान करता है। हमारे दिन भर के कार्यों में मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है। हमारे जीवन में विभिन्न समस्याओं और तनावों से हम अक्सर घिरे रहते हैं। राम नाम का जप करने से हमारे मस्तिष्क में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो तनाव धीरे धीरे समाप्त करती है।
इस साधना से हमारे मन की अशांति और भावनात्मक अस्थिरता समाप्त होती है, जिससे जीवन में सच्ची शांति का अनुभव होता है। भगवान राम नाम का जप करते समय हम अपने भीतर की अनंत शक्तियों से जुड़ते हैं। इससे हमारे भीतर संतोष का भाव उत्पन्न होता है। संतोष व्यक्ति के जीवन का महत्वपूर्ण गुण है, जो हर प्रकार की आकांक्षाओं और अधीरता को संतुलित करता है। यह साधना हमें हमारी परिस्थिति में प्रसन्न रहने और भौतिक सुखों की चाहत से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। हमारे भीतर की एक नई ऊर्जा का संचार होता है। राम नाम जप से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। यह ऊर्जा हमारे शरीर में चैतन्यता, स्फूर्ति और आत्मबल को बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति दिन भर के कार्यों को उत्साह पूर्वक और समर्पण के साथ पूरा कर सकता है। नियमित राम नाम जप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह हमारी मानसिक स्थिति में सुधार लाता है। हम अक्सर अपने विचारों में भटक जाते हैं और नकारात्मकता के शिकार हो जाते हैं, लेकिन नियमित रूप से राम का नाम लेने से हमारे विचार शुद्ध और संयमित हो जाते हैं। नकारात्मक विचार दूर हो जाते हैं और उनकी जगह सकारात्मकता का संचार होता है और हमारे मन को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। जीवन में सबसे कठिन कार्य अपने मन को नियंत्रित करना होता है। मन बहुत ही चंचल होता है और बार बार हमें भटकाने की कोशिश करता है। राम नाम जप करने से मन को स्थिर और शांत किया जा सकता है। यह जप हमारे विचारों और इच्छाओं को संतुलित करता है और हमें ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। मन का संयम हमें आत्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें और राम नाम जप करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसके अलावा राम नाम जप करने से व्यक्ति की आत्मा शुद्ध होती है और उसे बुरी आदतों से मुक्ति मिलती है। यह साधना नशा, क्रोध, लोभ और अन्य बुरी आदतों को दूर करने में सहायक होती है। जब मन और आत्मा शुद्ध होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्यों की ओर आकर्षित होता है और नैतिकता का पालन करता है। राम का नाम जपते समय हमारे भीतर सकारात्मक विचारों का संचार होता है। यह जप हमारे चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जो हमें और हमारे आसपास के वातावरण को सकारात्मक बनाती है। इसका प्रभाव यह होता है कि न केवल हम बल्कि हमारे परिवार और समाज में भी शांति और संतोष का संचार होता है। हमारे मन की स्थिरता और अनुशासन में आ जाती है। राम नाम का जप करने से मन स्थिर होता है और व्यक्ति में अनुशासन का विकास होता है। नियमित जप हमें नियमबद्ध जीवन जीने की प्रेरणा देता है और हमारे दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाता है। इस अनुशासन के माध्यम से हम अपने कार्यों को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। राम नाम जप एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति के मन, आत्मा और स्वभाव में अद्भुत परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। यह साधना न केवल मानसिक शांति प्रदान करती है, बल्कि व्यक्ति के भीतर धैर्य, सहनशीलता, विनम्रता और साहस जैसी सकारात्मक भावनाओं का भी विकास करती है। उसके पश्चात हमारा अगला महत्वपूर्ण फायदा जो हमें राम नाम जप करने से होता है, वो है धैर्य और सहनशीलता का विकास होना। राम नाम का जप करने से व्यक्ति के मन में स्थिरता आती है। इस साधना का नियमित अभ्यास हमारे मन को शांत और संयमित रखता है, जिससे हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रख सकते हैं। जब व्यक्ति का मन शांत होता है तो वह कठिनाइयों का सामना संयम और धैर्य के साथ कर सकता है। राम का नाम जपते समय व्यक्ति के भीतर एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो उसे मानसिक रूप से स्थिर रखती है। इसके अलावा नियमित रूप से राम नाम का जप करने से व्यक्ति में सहनशीलता की भावना बढ़ती है। यह साधना व्यक्ति के स्वभाव में सहानुभूति और सहनशीलता को बढ़ावा देती है। कठिन परिस्थिति में भी यह व्यक्ति को शांति से रहना सिखाती है और उसे किसी भी प्रकार की हिंसात्मक प्रतिक्रिया से दूर रखती है। हमारे आत्मबल में वृद्धि होना। राम का नाम जपने से आत्मबल में वृद्धि होती है, जो कि धैर्य और सहनशीलता के लिए अत्यंत आवश्यक है। आत्मबल बढ़ने पर व्यक्ति किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना दृढ़ता से कर सकता है। यह साधना व्यक्ति को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे वह धैर्यवान और सहनशील बनता है। इसके अलावा अहंकार और क्रोध से मुक्ति मिलती है और हमारे स्वभाव में विनम्रता का विकास होता है। राम नाम का जप करने से व्यक्ति में विनम्रता का विकास होता है। भगवान राम का नाम लेते समय व्यक्ति अपने अहंकार से ऊपर उठता है और खुद को परमात्मा के समक्ष एक सेवक के रूप में महसूस करता है। यह भावना उसके जीवन से अहंकार को समाप्त करती है और उसमें विनम्रता का संचार करती है। राम नाम जप से व्यक्ति का मन शांत और संयमित होता है, जिससे क्रोध पर भी नियंत्रण संभव होता है।
यह साधना व्यक्ति को अंदर से स्थिर बनाती है, जिससे उसकी प्रतिक्रिया शांतिपूर्ण और संतुलित होती है। राम नाम जपने से क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और व्यक्ति शांति प्रिय और सहनशील बनता है। प्रत्येक मनुष्य अपना अहंकार और क्रोध को छोड़ने से व्यक्ति के भीतर सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। राम का नाम जप करने से व्यक्ति के अंदर सहानुभूति और करुणा का भाव उत्पन्न होता है, जो उसे दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करता है। यह साधना व्यक्ति के भीतर सहिष्णुता को बढ़ावा देती है और उसे सभी के प्रति दया का भाव सिखाती है। नंबर 1, भय और चिंता का नाश होकर आत्मिक बल प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जप करता है, उसके मन में आत्मिक बल उत्पन्न होता है। ये आत्मिक बल उसे हर प्रकार के भय और चिंता से मुक्त करता है। भगवान राम का नाम जपने से हमारे भीतर ईश्वर के प्रति विश्वास और समर्पण की भावना जागृत होती है, जिससे हमारे मन की सभी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। नंबर 2, नकारात्मकता का नाश होता है। राम नाम का जप व्यक्ति के मन से नकारात्मक विचारों को हटाकर सकारात्मकता का संचार करता है। भय और चिंता अधिकतर नकारात्मक विचारों से उत्पन्न होती हैं। राम नाम जपते समय व्यक्ति का मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, जिससे भय और चिंता स्वतः समाप्त हो जाती हैं। नियमित राम नाम का जप करने से व्यक्ति आत्म संयम और मानसिक संतुलन की प्राप्ति करता है। इसका प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति डर और चिंता जैसी भावनाओं पर सहजता से नियंत्रण कर पाता है। यह साधना हमारे मन को शांत रखती है, जिससे हम हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास और संयम के साथ कर सकते हैं। नंबर 3, पापों से मुक्ति जाती है। पौराणिक कथाओं में राम का नाम जपने की अत्यधिक महिमा बताई गई है। ऐसा माना जाता है कि राम का नाम लेने मात्र से व्यक्ति के पापों का नाश हो जाता है। इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक मान्यता है कि जब हम भगवान राम का नाम सच्चे हृदय से जपते हैं, तो हमारे भीतर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। राम नाम का जप मन, वचन और कर्म की शुद्धि का माध्यम बनता है और इस शुद्धि से व्यक्ति के मन के विकार जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया है, जो सदाचार, संयम और कर्तव्य पालन का आदर्श है। उनके नाम का जप हमें इन गुणों की ओर प्रेरित करता है, जिससे हमारी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। इस प्रकार पापों से मुक्ति का तात्पर्य केवल कर्मों के बुरे फल से नहीं, बल्कि हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व में शुद्धि का उद्भव होना है। नंबर 4, सात्विकता का विकास और मानसिक शुद्धि होना। राम नाम का जप करने से सात्विकता यानी शुद्धता और सकारात्मकता का विकास होता है। सात्विकता का अर्थ है मन, आत्मा और जीवन में शांति और संतुलन की स्थापना। जब हम राम का नाम जपते हैं, तो हमारे मन में स्थिरता और शांति का अनुभव होता है। इसका परिणाम यह होता है कि हमारे विचार, भावनाएं और कार्य पवित्रता की ओर अग्रसर होते हैं। राम नाम जप में एक अद्वितीय ऊर्जा होती है, जो मानसिक शुद्धि के लिए सहायक है। यह ऊर्जा हमें आंत पर संतुलित करती है और नकारात्मक विचारों का ह्रास करती है। इसके फलस्वरूप मन का विकार मिटता है और व्यक्ति का ध्यान अंतर्मुखी होकर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होता है। इस मानसिक शुद्धि से व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण में भी सात्विकता का संचार करता है और अपने जीवन में सच्ची सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। नंबर 5, आने वाले आपदाओं से सुरक्षा। प्राचीन ग्रंथों में स्मरण है, राम नाम के जप की महिमा को कई प्रकार से बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का नाम हमारे लिए एक अदृश्य सुरक्षा कवच का कार्य करता है। जब व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से राम नाम का जप करता है, तो उसके चारों ओर एक आध्यात्मिक शक्ति का आवरण निर्मित होता है, जो उसे प्राकृतिक आपदाओं और विभिन्न संकटों से बचाने का कार्य करता है। यह एक मान्यता है कि राम नाम जपने से व्यक्ति के कर्मों की शुद्धि होती है और इस शुद्धि के परिणाम स्वरूप उसे आपदाओं से सुरक्षा का आशीर्वाद मिलता है। चाहे वह बाढ़, भूकंप, तूफान या अन्य प्रकार की आपदा हो, राम नाम का स्मरण व्यक्ति को मानसिक शांति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे वह विपरीत परिस्थितियों का सामना अधिक मजबूती से कर पाता है। इसका अर्थ यह है कि राम नाम का जप हमारे भीतर शक्ति और सकारात्मकता का विकास करता है, जिससे हम बाहरी संकटों से प्रभावित नहीं होते और अपने भीतर एक संतुलित स्थिति बनाए रख पाते हैं। नंबर 6, बीमारियों से मुक्ति और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। राम नाम का जप न केवल आध्यात्मिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ राम का नाम लेते हैं, तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है,
जो हमारे अंग प्रत्यंगों को शक्ति प्रदान करता है। यह सकारात्मक ऊर्जा तनाव को कम करने और शरीर को शांति प्रदान करने का कार्य करती है। विशेष रूप से मानसिक तनाव और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं में राम नाम जप लाभकारी माना गया है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम का नाम जपता है तो उसकी नाड़ी में शांति का संचार होता है, जिससे हृदय गति नियंत्रित होती है और तनाव घटता है। यह प्रक्रिया शरीर के तंत्रिका तंत्र को स्थिर बनाती है, जिससे शरीर का संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होता है। इसके अलावा राम नाम जप से ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ती है, जिससे मन और शरीर के बीच संतुलन बनता है और व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। नंबर 7, मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। राम नाम का जप मोक्ष प्राप्ति का एक सशक्त माध्यम है। यह आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। जब व्यक्ति राम नाम का जप करता है तो उसकी चेतना उस परम सत्ता की ओर उन्मुख होती है जो उसके अंदर स्थित है। नियमित जप से ध्यान गहरा होता जाता है, जिससे व्यक्ति धीरे धीरे अपनी भौतिक इच्छाओं और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने लगता है। इसके परिणाम स्वरूप जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना संभव हो जाता है, जिसे मोक्ष कहते हैं। राम नाम का जप करने से आत्मा की पवित्रता बढ़ती है और उसे परमात्मा की निकटता का अनुभव होने लगता है। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति के विचारों, कर्मों और भावनाओं में ऐसी शुद्धि आती है कि वह परम सत्य से एकात्मता प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच जाता है, जो कि मोक्ष का उद्देश्य है। नंबर 8, सद्गुणों का विकास। राम नाम का जप न केवल मोक्ष का साधन है, बल्कि यह व्यक्ति में विभिन्न सद्गुणों का भी विकास करता है। राम नाम का जप व्यक्ति के मन को शांत करता है और उसमें सहनशीलता, दया, क्षमा और सत्यनिष्ठा जैसे गुणों का संचार करता है। यह जप करने से व्यक्ति के मन में दूसरों के प्रति करुणा और सहनशीलता बढ़ती है। राम नाम का जप व्यक्ति के हृदय में करुणा और दूसरों की सहायता का भाव उत्पन्न करता है। वह दूसरों की भावनाओं को समझने और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होता है। मन में क्षमाशीलता आती है। यह जप क्रोध को नियंत्रित करने और दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की शक्ति प्रदान करता है। इससे व्यक्ति की सहन शक्ति बढ़ती है और वह दूसरों की कमियों को नजरअंदाज करने लगता है। राम नाम के नियमित जप से व्यक्ति में सहनशीलता का विकास होता है, जिससे वह अपने जीवन की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सहन करने में सक्षम होता है। सदा राम नाम जप व्यक्ति को सत्य का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। जब मन में सत्यता की भावना विकसित होती है तो जीवन में नैतिकता का पालन करना आसान हो जाता है और व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है। नंबर 9, समाज में आदर और प्रतिष्ठा। राम नाम का जप भारतीय संस्कृति में न केवल आत्मिक उन्नति के लिए बल्कि सामाजिक और नैतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण माना गया है। राम नाम जप से व्यक्ति के चरित्र में ऐसा तेज और ओज आता है कि लोग स्वाभाविक रूप से उसकी ओर आकर्षित होते हैं। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का जप करता है तो उसके विचार और व्यवहार में सकारात्मकता आती है, जिससे वह एक नैतिक और चरित्रवान व्यक्ति के रूप में समाज में पहचाना जाता है। उसकी शुद्ध और शांत मनोवृत्ति से समाज में उसका आदर और सम्मान बढ़ता है। लोग उसकी बातों को महत्व देने लगते हैं और उससे प्रेरणा लेते हैं। उसके आचरण से दूसरों को अच्छाई की ओर बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, जिससे समाज में भी शांति और सामंजस्य बना रहता है। इस प्रकार राम नाम का जप न केवल आत्मिक उन्नति के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में एक सम्मानजनक स्थान बनाने में भी सहायक होता है। इस जप से व्यक्ति के आचरण में सुधार होता है और उसके चारों ओर सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न होता है। राम नाम जप के कुछ प्रमुख लाभों में समाज में आदर और प्रतिष्ठा प्राप्त करना, कर्मों में सुधार और पुण्य अर्जन तथा भक्ति और विश्वास का विकास शामिल हैं। नंबर 10, कर्म सुधार और पुण्य अर्जन। राम नाम का जप व्यक्ति के कर्मों पर गहरा प्रभाव डालता है। यह उसे सत्य, धर्म और अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। जब व्यक्ति राम नाम का स्मरण करता है तो उसकी आत्मा में शुद्धता और स्पष्टता आती है, जिससे उसे अपने कार्यों का सही और गलत में भेद समझ में आता है। यह जप व्यक्ति को अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करता है और उसे बुरे कर्मों से दूर रखता है। बुरे विचारों और नकारात्मक भावनाओं का प्रभाव कम होने लगता है और वह सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करता है। इसके साथ ही राम नाम का जप करने से व्यक्ति पुण्य अर्जित करता है, जो उसे आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने में सहायता करता है। अच्छे कर्मों से समाज और अन्य लोगों को भी लाभ पहुंचता है, जिससे व्यक्ति का जीवन सार्थक बनता है। नंबर 11, भक्ति और विश्वास का विकास। राम नाम जप से व्यक्ति के भीतर भक्ति और विश्वास का विकास होता है। इस जप से उसका भगवान के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ता है, जिससे उसे आत्मिक संतोष और आंतरिक शांति का अनुभव होता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है
तो उसका विश्वास भगवान की कृपा में दृढ़ होता जाता है। यह विश्वास उसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने में सहायक होता है और उसे यह आभास दिलाता है कि भगवान सदैव उसके साथ हैं। राम नाम का जप व्यक्ति के भीतर अनन्य भक्ति की भावना को जागृत करता है, जिससे वह हर कार्य में भगवान का स्मरण करते हुए जीवन जीता है। भक्ति से उत्पन्न यह विश्वास उसे एक दृढ़ और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनाता है, जो जीवन के उतार चढ़ाव को सहन करने की शक्ति रखता है। इस प्रकार राम नाम का जप व्यक्ति के जीवन में न केवल आध्यात्मिक लाभ देता है, बल्कि उसे समाज में आदर, कर्मों में सुधार, पुण्य अर्जन और भक्ति विश्वास में वृद्धि की ओर भी अग्रसर करता है। नंबर 12, भक्ति और विश्वास का विकास का बढ़ना। राम नाम जप करने से व्यक्ति में भगवान के प्रति भक्ति और विश्वास का विकास होता है। यह जप हमें ईश्वर से जोड़ता है और हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। राम का नाम जपने से भक्त के मन में एक गहरी आस्था उत्पन्न होती है, जो उसे किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक और सशक्त बनाए रखता है। राम नाम जप का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह साधना व्यक्ति को आंतरिक शांति, संतोष और आनंद का अनुभव कराती है। यह विश्वास व्यक्ति को हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है। नंबर 13, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होना। राम नाम का जप करने से परिवार में सुख और शांति का वातावरण बनता है। यह जप एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जो घर के सभी सदस्यों के जीवन में प्रेम, एकता और संतोष को बढ़ाता है। परिवार के सभी सदस्य जब एक साथ बैठकर राम नाम का जप करते हैं, तो यह एक प्रकार की सामूहिक साधना बन जाती है, जो पूरे परिवार को एकजुट रखती है। इससे परिवार में झगड़े और कलह कम होते हैं और एक सुखी व शांतिपूर्ण वातावरण बना रहता है। राम नाम का निरंतर जप करने से मन एकाग्र होता है और ध्यान की स्थिति प्राप्त होती है। यह जप मन को शांत करता है और व्यक्ति को मानसिक शांति प्रदान करता है। राम नाम जप से हमारा ध्यान बाहरी चिंताओं और समस्याओं से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होता है, जिससे हमारे मन में शांति और संतुलन आता है। यह एक प्रकार का ध्यान है, जो हमें अपनी आत्मा से जोड़ता है। नंबर 14, सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का विकास। राम नाम जप करने से व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। यह हमें नकारात्मक विचारों और नकारात्मकता से मुक्त कराता है और हमारे मन में सकारात्मकता का संचार करता है। यह साधना हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाती है, जिससे हम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार राम का नाम लेने से व्यक्ति के मनोरथ पूर्ण होते हैं। राम नाम जप एक प्रकार का ईश्वर का आशीर्वाद है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त करने में सहायता करता है। यह जप हमें ईश्वर के करीब लाता है और हमारे हर कार्य में उनकी कृपा को अनुभव कराता है। इसके अलावा राम नाम जप करने से व्यक्ति अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग पा सकता है। यह जप आत्मा को पवित्र करता है और उसे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। यह साधना हमें हमारे भीतर के आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जो अंततः मोक्ष का कारण बनती है। चलिए अब जानते हैं कि कलयुग में राम नाम को श्री राम से भी बढ़कर क्यों माना जाता है, शास्त्र में इसका क्या वर्णन है, तो बने रहे। कलयुग में राम के नाम को भगवान श्री राम से भी बढ़कर क्यों माना गया है, इस पर शास्त्रों, पुराणों और संतों ने विस्तार से विचार किया है। राम के नाम में ऐसा प्रभाव है कि वह केवल दो अक्षरों का होते हुए भी संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान, धर्म और अध्यात्म का सार समेटे हुए है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में मनुष्य का मन चंचल होता है और उसके लिए कठिन तप, योग, ध्यान और कर्म करना कठिन होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि ज्ञान, योग, तप आदि मार्ग कलयुग में उतने प्रभावी नहीं रह जाते। राम नाम की महिमा यही है कि बिना किसी जटिल क्रिया के केवल राम का नाम जपकर व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो सकता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी भी कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अर्थात कलयुग में केवल राम का नाम ही आधार है, जिसका स्मरण करते हुए व्यक्ति भव सागर को पार कर सकता है। प्रभु राम नाम की महिमा को और भी विशिष्ट बनाती है शिवजी की उपासना। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवजी स्वयं राम नाम का जप करते हैं और माता पार्वती को भी इसका महत्व बताते हैं। रामायण में इसका उल्लेख है कि शिवजी ने हनुमान जी का रूप लेकर राम सेवा में संलग्न होकर राम नाम का सदा जप किया। इस प्रकार जब स्वयं शिव, जो संहारकर्ता माने जाते हैं, राम नाम का जप करते हैं, तो यह स्पष्ट होता है कि राम का नाम सर्वाधिक शक्तिशाली और परम प्रभावी है। भक्ति मार्ग में कहा गया है कि ईश्वर का नाम
उनके स्वरूप से भी अधिक शक्तिशाली होता है, क्योंकि नाम के स्मरण मात्र से ईश्वर का स्मरण हो जाता है और भक्ति जागृत होती है। तुलसीदास जी के शब्दों में, राम नाम औषधि अति साची रोग मिटावनहारी, अर्थात राम का नाम एक ऐसी सच्ची औषधि है जो सभी मानसिक और शारीरिक रोगों को समाप्त कर देती है। कलयुग में मनुष्य का मन अनेक विषयों में भटकता है और बहुत सी बातें उसे धर्म और अध्यात्म से दूर कर देती हैं। राम नाम जपने का मार्ग सरल है और सभी के लिए सुलभ है। इसमें किसी स्थान विशेष, समय विशेष या किसी साधना प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती। केवल सच्चे हृदय से राम का नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति अपने सभी कष्टों से मुक्त हो सकता है। अनेकों संत, महात्मा और साधुजन जैसे संत कबीर, संत तुलसीदास और संत रैदास ने राम नाम की महिमा का वर्णन किया है। उनका मानना है कि राम का नाम शुद्ध हृदय से जपने पर जीवन में असीम शांति, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी के अनुसार, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। अर्थात राम नाम का जप सच्चे हृदय से करने से सभी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रोग समाप्त हो जाते हैं और मनुष्य को सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होता है। सतयुग त्रेता युग में जो व्यक्ति तपस्या साधना करके फल प्राप्त करते थे, वही कलयुग में केवल राम नाम जप करने से व्यक्ति की नया पार हो जाती है। राम का नाम जपना केवल मनुष्य को इस जन्म के कष्टों से मुक्त नहीं करता, बल्कि उसे पुनर्जन्म के चक्र से भी मुक्ति प्रदान करता है। यह भवसागर से पार लगाने वाली नाव के समान है और सभी प्रकार के दैहिक, दैविक और भौतिक तापों को भी दूर करता है। राम नाम की महिमा इस कलयुग में विशेष महत्व रखती है। सरलता, सुलभता और अत्यधिक प्रभावशाली होने के कारण राम का नाम जपने से मनुष्य कलयुग के सभी पापों और क्लेशों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान राम नाम पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य राम नाम का स्मरण करता है, उसका मन पवित्र हो जाता है। संत रविदास महाराज की वाणी है कि यह सारा संसार जानता है कि सूर्य उगने पर रात का अंधेरा दूर हो जाता है। यह भी सब जानते हैं कि पारस द्वारा तांबे को छुए जाने पर उसके सोना बनने में देर नहीं लगती। ओम राम रामाय नमः मंत्र का शाब्दिक अर्थ है भगवान राम की विजय। यह एक बहुत लोकप्रिय मंत्र है जिसका व्यापक रूप से सामूहिक जाप के लिए उपयोग किया जाता है। यह मंत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है। यह मंत्र शांति और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। अत सिद्धाः पर्यन्तम् राम नाम जपो वरम। यह श्लोक बताता है कि राम नाम सत्य है का जाप करने से दाह संस्कार के दौरान दिवंगत आत्मा को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा मिलती है। चलिए मैं आपको भगवान राम का महामंत्र बताता हूँ। श्री रामाय राम भद्राय राम चंद्राय वेध से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। रोजाना इस मंत्र के जाप से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। अगर कोई मनुष्य मरते समय राम का नाम ले ले तो उसे उसकी जन्म मरण यात्रा सिद्ध हो जाती है। राम नाम में वो सुख है। राम नाम के जाप से परम सुख की प्राप्ति होती है। राम नाम में सारा संसार व्यापक है। राम नाम के जाप करने वाले मनुष्य में एक अद्भुत तेज आ जाता है जिसके पास बैठने मात्र से ही सकारात्मकता की अनुभूति होती है और एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। क्या आप ये जानते हैं, राम नाम सत्य है का दोहराव सत्य की परिवर्तनकारी शक्ति और इस विश्वास को दर्शाता है कि परमात्मा का नाम शाश्वत और अचूक है। एक नाम जाप होता है और एक मंत्र जाप होता है। राम नाम मंत्र भी है और नाम भी। राम 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 ऐसे नाम जाप के पुकार विधि रहित होती है। इस प्रकार भगवान को संबोधित करने का अर्थ है कि हम भगवान को पुकारे जिससे भगवान की दृष्टि हमारी तरफ खींच जाए। जैसे एक बच्चा अपनी माँ को पुकारता है तो उन माताओं का चित्त भी उस बच्चे की ओर आकृष्ट हो जाता है जिनके छोटे बच्चे होते हैं। ब्रह्मांड भगवान के एक एक रोम में है बसते हैं। दशरथ के घर जन्म लेने वाले भी राम हैं और जो निर्गुण निराकार रूप से सब जगह रम रहे हैं उस परमात्मा का नाम भी राम है। नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। भगवान स्वयं नामी कहलाते हैं। भगवान परमात्मा अनामय है अर्थात विकार रहित है। उसका न नाम है, न बाप आ, न रूप है। उनको जानने के लिए उनका नाम रखकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि हम लोग नाम रूप में बैठे हैं इसलिए उसे ब्रह्म कहते हैं। जिस अनंत नित्यानंद और चिन्मय परम ब्रह्म में योगी लोग रमण करते हैं उसी राम नाम से परम ब्रह्म प्रतिपादित होता है। अर्थात राम नाम ही परम ब्रह्म है। अनंत नामों में मुख्य राम नाम है। भगवान के गुण आदि को लेकर कई नाम आए हैं। उनका जप किया जाए तो भगवान के गुण, प्रभाव, तत्व, लीला आदि याद आएंगे। भगवान के नामों से भगवान के चरित्र की याद आती है। भगवान के चरित्र अनंत हैं।
उन चरित्र को लेकर नाम जप भी अनंत ही होगा। राम नाम में अखिल सृष्टि समाई हुई है। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों की रामायण बनाई, तो 100 करोड़ श्लोकों की रामायण को भगवान शंकर के आगे रख दिया, जो सदैव राम नाम जपते रहते हैं। उन्होंने उसका उपदेश पार्वती को दिया। शंकर ने रामायण के 3 विभाग कर त्रिलोक में बांट दिया। 3 लोकों को 33 करोड़ दिए तो 1 करोड़ बच गया। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1 लाख बच गया। उसके भी 3 टुकड़े किए तो 1000 बच, और उस 1000 के भी 3 भाग किए तो 100 बच गया। उसके भी 3 भाग किए 1 श्लोक बच गया। इस प्रकार 1 करोड़ श्लोकों वाली रामायण के 3 भाग करते करते 1 अनुष्टुप श्लोक बचा रह गया। 1 अनुष्टुप छंद के श्लोक में 32 अक्षर होते हैं, उसमें 10 10 करके तीनों को दे दिए तो अंत में 2 ही अक्षर बचे। भगवान शंकर ने यह 2 अक्षर रा आपने पास रख लिए। राम अक्षर में ही पूरी रामायण है, पूरा शास्त्र है। जय श्री राम। चलिए अब हम राम नाम जप करते हैं, और अगर आप भी राम नाम की महिमा का अनुभव करना चाहते हैं। Jai Ram, Jai Ram.